मॉर्निंग एवरीवन, एक नए ब्लॉग में फिर से आप सबका स्वागत है। और हमारे यहाँ पर ना कल से लाइट नहीं आ रही है बिल्कुल भी। और मैं उठी थी थोड़ी देर पहले, उठ के झाड़ू वगैरह लगाई, फिर मैंने पी लिया था एक गिलास गर्म पानी। और मैंने कल रात को अपने लिए दो अंजीर भिगोई थी, पहले मैं वो खाऊंगी तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये हैं वो अंजीर, इसमें मैंने 3 अंजीर भिगोई थी कल रात को थोड़े से गर्म पानी में, तो अब मैं ये खाली पेट खाऊंगी। वैसे मैं ना 2-3 दिन से ना ये अंजीर रात को दूध के साथ खा रही थी, बट मुझे इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं लग रहा था, तो अब मैं इस तरीके से खा कर देखती हूँ और मैं इसका रिज़ल्ट आपको बताती हूँ। तो इस तरीके से मैं पहले भी खा चुकी हूँ और इस तरीके से अंजीर काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा करती हैं। इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्रोटीन होता है, फाइबर होता है और पेट को साफ़ करने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पड़ता है। जिन लोगों को ना कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत रहती हो उनको ये सब चीज़ें खानी चाहिए, जिससे पेट साफ़ होता है। और एक्चुअल में ना जिन लोगों का वेट बढ़ जाता है ना, उनका एक्चुअल में पेट साफ़ नहीं होता, इसीलिए उन लोगों का ना वेट बढ़ता जाता है। और जिन लोगों के पेट पर ज़्यादा चर्बी जमा हो जाती है, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी होता है कि उनकी आंतों में ना मल इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से उनके पेट पर चर्बी जो है वो बढ़ती जाती है और टायर्स का रूप ले लेती है। तो अगर आप लोगों को भी कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत रहती हो तो इस तरीके से अंजीर को भिगोकर यूज़ कर सकते हो। अगर आप लोग रात को दूध के साथ अंजीर खाना चाहते हो तो दूध पीने के 1 घंटे पहले पानी में अंजीर को भिगो दीजिए, और अगर आप सुबह खाना चाहते हो तो रात को पानी में अंजीर को भिगो दीजिए और अर्ली मॉर्निंग खाली पेट इस तरीके से अंजीर का सेवन कीजिए। तो अभी अभी उठी हूँ मैं, मैंने भू भी नहीं धोया अपना, बस अभी अंजीर खा के मैं जाऊँगी नहाने के लिए और फिर नहा के मैं करूँगी पूजा। तो किस किस ने पहले भी अंजीर का सेवन किया है मुझे बताना मेरी वीडियोस को देखने से पहले। ये देखो ऐसी हो जाती है अंजीर पानी में भीगने के बाद। अंजीर को ना जिस पानी में भिगो हो ना उस वाले पानी को फेंक मत देना कहीं, उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसको भी आपको ना पी लेना है सिप सिप करके अंजीर खाने के साथ ही। और अच्छे से चबा चबा के खाना है 32 बार। आपको जो कुछ भी खाना है दिन में, आपको ये बात याद रखनी है कि आपको सब कुछ ना 32 बार चबा चबा कर ही खाना है। तो ये खाने के बाद मैं जाऊँगी नहाने के लिए, फिर पूजा करके फिर ब्रेकफास्ट में मिलते हैं कि मैं क्या बनाती हूँ आज, ये सब कुछ मैं आपको दिखाती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो यार। आप लोग मेरी वीडियोस से देखते ही रहते हो, चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो? पास में रेड कलर का बटन होगा सब्सक्राइब का, उसे दबाना और जो पास में बेल आइकन होगा यानी कि घंटा, उसे बजा देना ऑल पर, ताकि वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाए। वीडियोस पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया करो यार, लाइक देने में इतनी कंजूसी क्यों करते हो? कुछ जा थोड़ा रहा आपका लाइक करने में वीडियोस को, तो वीडियोस को लाइक किया करो, बताया करो मुझे मेरी वीडियोस आपको कैसी लगती है। जिन लोगों को ना अर्ली मॉर्निंग उठ के वीकनेस फील होती है ना, उन लोगों को ना रात को ड्राई फ्रूट्स भिगो देने चाहिए और सुबह उठ कर ड्राई फ्रूट्स ज़रूर खाने चाहिए। मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम आप लोगों की बिल्कुल दूर हो जाएगी। लेकिन यह है कि अगर आप लोग एक बार में सारे के सारे ड्राई फ्रूट्स नहीं खा सकते ना, मतलब नॉर्मली कोई भी नहीं खा सकता, तो बदल बदल के ड्राई फ्रूट्स को भिगो दीजिए। जैसे 10-15 दिन आप अंजीर खाइए भिगोगे, फिर 10-15 दिन आप बादाम खाइए, फिर किशमिश खाइए, मुनक्का खाइए, पम्पकिन सीड्स आते हैं, सनफ्लावर सीड्स आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिनसे प्रोटीन फाइबर मिलता है, मिनरल्स मिलते हैं बहुत सारे, और मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम दूर हो जाती है। और सुबह सुबह उठ के एकदम से जो भूख लगती है ना और ऐसे कुछ खाने का मन नहीं करता, तो इस तरीके के जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना इनको खा के ना सुबह थोड़ा सा फुलफिल भी फील करते हैं। तो इन सब चीज़ों को ज़रूर खाना चाहिए, और इन सब चीज़ों को खाने से मेन पॉइंट वेट नहीं बढ़ता बिल्कुल। तो एंजॉय कीजिए मेरे साथ ड्राई फ्रूट्स को, चलो ब्रेकफास्ट में मिलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? तो अब मैंने करना शुरू किया था एक्सरसाइज, और जैसे कि मैंने आप सब लोगों को पहले भी बताया है कि मुझे ना ऐसे एक्सरसाइज करना अच्छा नहीं लगता, तो मैं साथ में टीवी भी चला लेती हूँ। तो टीवी पे चला लिया था मैंने म्यूज़िक और उसके साथ मैं एक्सरसाइज कर रही थी। कुछ एक्सरसाइज के नाम तो मुझे याद हैं, कुछ के याद नहीं, वो मैं आपको बताती जाऊँगी जिसके मुझे याद हैं। तो ये जो मैंने अभी एक्सरसाइज की थी इसको कहते हैं साइड बैंड, यानी कि साइड में झुकना। और अब जो मैं ये एक्सरसाइज कर रही थी इसका मुझे ना ऐसे नेम ना याद नहीं है, तो आप देख लेना और देख के ही ना कर लेना मेरे साथ एक्सरसाइज।
मुझे एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा पसंद है। एक एनर्जी सी आ जाती है बॉडी के अंदर जब हम एक्सरसाइज करते हैं, और हम काफ़ी ज़्यादा ना एनर्जेटिक भी हो जाते हैं। और एक्सरसाइज करने के बाद ना हमारे हाथ पाँव ना खुलने लगते हैं, हमारा स्टेमिना भी बढ़ने लगता है। ये जो मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ इसको हम कहते हैं स्क्वाट, हिंदी में मुझे नहीं पता बट इसको इंग्लिश में स्क्वाट ही कहते हैं। तो मैं इसको भी कर रही हूँ एक्चुअली। वैसे तो ना मैं इसको कम ही करती हूँ क्योंकि मेरे ना घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है, मुझे थोड़ा जॉइंट पेन की ना प्रॉब्लम रहती है। तो क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी बीमारियाँ हो चुकी हैं जिनसे ना जॉइंट पेन रह जाता है बॉडी में, तो वो कभी भी उठाता है, तो मैं इसलिए ये घुटने बैंड करने वाली एक्सरसाइज ना कम करती हूँ, थोड़ी सी देर ही करती हूँ बट कर लेती हूँ जब मुझे जैसे ठीक लगता है। तो आई होप आपको ना ये सारी की सारी एक्सरसाइजेस पसंद आ रही होंगी, और आप सब लोग ना मेरे साथ वेट लॉस जर्नी को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ना एंजॉय कर रहे होंगे। और इसको कहते हैं फ्रंट बैंड विद सिंगल लेग। तो एक बार इधर वाले लेग पे करते हैं और एक बार दूसरे वाले लेग पे। एक ना पूरी फ्रंट बैंड भी होती है जो कि आप सब लोगों ने देखी होगी, उसको नेक्स्ट वाली वीडियो में ना करके दिखाऊंगी आपको। मैं सोचती हूँ कि ना डेली ना कुछ अलग अलग एक्सरसाइजेस करूँ जिससे कि ना पूरी बॉडी ना अच्छे से मूव कर सके। मतलब ऐसा होता है ना कि किसी एक एक्सरसाइज में कोई पर्टिकुलर एरिया ही ठीक से मतलब काम करता है, तो इसीलिए मैं एक्सरसाइजेस बदल बदल कर करती रहती हूँ। और अगर आपको ना मतलब मेरी एक्सरसाइजेज अच्छी लग रही हूँ तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको इन सारी एक्सरसाइज में से ना कौन सी एक्सरसाइज अच्छी लगी। मुझे एक्सरसाइज करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है और बहुत ज़्यादा एंजॉय करती हूँ मैं। बीच बीच में ना डांस और मस्ती भी करती रहती हूँ। थोड़ा थोड़ा ना एक्सरसाइजेस के बीच में अगर आप थक गए हो तो आप ना ब्रेक भी ले सकते हो, एक एक दो दो मिनट का, कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। पानी पीना हो तो आप पानी भी पी सकते हो। ये जो एक्सरसाइज मैं कर रही हूँ ना इसमें ना हैंड का रोटेशन भी होता है और साथ में हमारे लेग का भी होता है, तो इसको कहते हैं लंजेस विद हैंड रोटेशन। कुछ एक्सरसाइजेस ना मतलब मैं देखती हूँ और अपने दो एक्सरसाइज को ना प्रेस करके मैं अपनी एक न्यू एक्सरसाइज क्रिएट कर लेती हूँ, और कोशिश करती हूँ कि जितनी भी एक्सरसाइजेस करूँ ना उसमें पूरी की पूरी बॉडी ना अच्छे से मूव कर सके, हमारी बॉडी का हर एक पार्ट अच्छे से मूव कर सके जिससे कि फुल बॉडी वर्कआउट हो जाए हमारा, और पूरी की पूरी बॉडी से ना फैट रिमूव हो जाए। अब जो मैं एक्सरसाइजेस कर रही हूँ ना, पहले मैं कर रही थी लेग को आगे की साइड टर्न और अब मैं कर रही हूँ लेग को पीछे की साइड टर्न। अगर मुझसे कुछ गलतियाँ हो जाएं एक्सरसाइजेस वगैरह करने में तो प्लीज़ उनको माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं कोई ना योगा ट्रेनर या फिर एक्सरसाइजेस वगैरह मतलब ऐसे नहीं करती मैं, तो बस मुझे ना जो अच्छा लगता है मैं वैसे कर लेती हूँ अपने हिसाब से। और अब मैं कर रही थी ये नई एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज को ना जंपिंग जैक्स कहते हैं। इसको ना मतलब कूद कूद के करना होता है, लेकिन अगर आप लोगों को ना कूदने में या फिर जंप करने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ इसे मत करना। ये ना बिना जंप किए भी होती है, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी कि बिना जंप किए आप कैसे करो। और उसके बाद फिर मैं ये कर रही थी प्लांक। ये सामने से शायद आपको ठीक से नहीं दिख रहा, तो नेक्स्ट टाइम जब मैं करूँगी ना तब मैं साइड से दिखाऊँगी आपको, ठीक है। इसमें ना मतलब स्ट्रेट रहना होता है और इससे हमारी कोर पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है और हमारा स्टेमिना भी बढ़ता है और पूरी की पूरी बॉडी ना शेप में आ जाती है इससे। उसके बाद मैंने की थी बेड पे बैठ के करने वाली एक्सरसाइजेज जो कि आप देख ही रहे हो, जिससे कि ना पूरी की पूरी बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है, सबसे ज़्यादा हमारी थाइस पे और बेली फैट पे इफेक्ट पड़ता है। और ये जो बेड पे लेट के करने वाली एक्सरसाइजेज होती हैं ना, इनसे मेरी थाइस पे सच में बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है, मेरे लेग काफ़ी ज़्यादा पहले से स्लिम हुए हैं। और ये इन सारी सारी एक्सरसाइजेस को करने से ना पेट पे तो इफेक्ट पड़ता ही है, बाकी आप मेरा पसीना देखो, एक्सरसाइज कर करके पसीना कितना ज़्यादा निकलता है, और पसीना निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होता है क्योंकि इससे हमारी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है। तो मेरे साथ फिर ना मेरा बेटा भी आ गया था और वो भी ना मेरे पीछे पीछे एक्सरसाइजेस कर रहा था देख के, उसको डर लग रहा था कि वो वीडियो में ना आ जाए, तो साइड से कर रहा था बट फिर भी वो थोड़ा सा ना वीडियो में दिख रहा है। और वैसे ना मुझे जब जैसे टाइम मिलता है मैं वैसे एक्सरसाइज कर लेती हूँ, कभी सुबह कभी दोपहर को कभी शाम को, लेकिन मैं डेली आधे से पौन घंटे की एक्सरसाइज ना ज़रूर करती हूँ। मतलब जब भी आपका पेट ना थोड़ा खाली हो, आपको खाए पिए हुए ना दो तीन घंटे हो चुके हों, तब आप एक्सरसाइज कर सकते हो। और अर्ली मॉर्निंग तो हम लोग खाली पेट होते ही हैं, तब तो आप कर ही सकते हो। और शाम के टाइम मैं ना वॉक ज़रूर करती हूँ आधे से पौन घंटे की, और अब मैंने नाइट के टाइम में भी वॉक करना शुरू किया है थोड़ा सा, ताकि जो मेरा थोड़ा सा फैट और बचा है ना बॉडी का, थोड़ा सा वेट और जो मेरा कम करना रह गया है वो और कम कर सकूं। तो वैसे मैंने अब तक 18 किलो वेट लूज़ कर लिया है। अगर आप लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं तो आप सब लोगों को पता ही होगा कि मैं अब तक 18 किलो वेट कम कर चुकी हूँ, बस 5 किलो वेट मुझे और कम करना है, उसके बाद मेरा वेट बिल्कुल आइडियल हो जाएगा मेरी हाइट के हिसाब से। तो बस
इसी तरह से मेरी वेट लॉस जर्नी में बनी रही है। और आप में से जितने लोगों को वेट लॉस करना है वो सब लोग प्लीज़ मुझे भी सपोर्ट कीजिए और आप सब लोग भी मेरे साथ साथ अपनी वेट लॉस जर्नी को एंजॉय कीजिए। आई होप कि आप सब लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आ रही होगी। और ये जो अब मैं आपको एक्सरसाइज बता रही हूँ ना, ये वाली एक्सरसाइज से ना थाइस पे इतना ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है कि आप बिल्कुल भी ना बिलीव नहीं करोगे, बिल्कुल भी बिलीव नहीं करोगे। और ये एक्सरसाइज आप कभी भी कर सकते हो, टीवी देख रहे हो तब भी कर सकते हो, टीवी देखते रहो साथ में ना अपने लेग्स को ऐसे करके मूव करते रहो, इससे हमारे बैली फैट पे और थाइस पे सच में हद से ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। आप एक बार जब करोगे ना तभी आपको पता चलेगा, बिल्कुल जादू वाली एक्सरसाइज है ये और मेरे पे तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ा। आई होप आपने ये वाला ब्लॉग एंजॉय किया होगा। उसके बाद हो गया था सुबह की ब्रेकफास्ट का टाइम और मैंने बनाया था पतिदेव के लिए ये क्रीम लगा के दूध वाली और उसके ऊपर ना बहुत सारी वेजिटेबल्स लगा के क्रीम वाला सैंडविच, वेजिटेबल वाला, इसको आई होप शायद वेजिटेबल सैंडविच बोलते हैं। और इसमें ना अंदर थोड़ा मसाला लगा के और थोड़ी सी भुजिया वगैरह लगा के ना बहुत ज़्यादा अच्छे से स्पाइसी कर दिया था मैंने, इसमें अंदर सॉस वगैरह लगा दी थी। ये उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद है और मुझे भी ना वेजिटेबल सैंडविच बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन पतिदेव नहीं प्याज नहीं खाते तो उनका बना दिया था बिना प्याज का। और ये उनकी चाय है, ये मैं उनका नाश्ता दे आई थी। और फिर मैं और हनु खाते हैं गार्लिक वाले सैंडविच, तो हम लोग लगा लेते हैं मेयोनीज गार्लिक वाली एक एक ब्रेड पे और फिर ये सब्जियां लगा के सॉस लगा के पिज़्ज़ा सीजनिंग वगैरह डालकर हम लोग बना लेते हैं अपने प्याज वाले वेजिटेबल सैंडविच। और अभी ना आटा ब्रेड ख़त्म हो गई थी और हमारे घर के बाहर आटा ब्रेड भी नहीं मिलती है, हमें थोड़ा दूर से लेकर आनी पड़ती है, तो मैंने अभी ना मैदे वाली ब्रेड में ही ये बना लिया था। लेकिन आप ध्यान रखना भाई, प्लीज़ मल्टीग्रेन ब्रेड या फिर आटा ब्रेड में ही बनाना इनको। मैं तो कभी कभी इमरजेंसी में ना मैदा ब्रेड में बना लेती हूँ, क्योंकि जब सबका मूड होता है और आटा ब्रेड अवेलेबल नहीं होती तो फिर ऐसे ही बनाना पड़ता है। लेकिन प्लीज़ अगर आप वेट लॉस कर रहे हो ना, मेरा तो ऑलरेडी इतना वेट लॉस हो चुका है तो मैं अब कुछ भी खा लेती हूँ, लेकिन अगर आपने अभी अभी अपना वेट लॉस शुरू किया है ना तो प्लीज़ मैदा बिल्कुल भी मत खाना, वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं होती और हमारे पेट में जाके वो चिपकती है और फिर वेट गेन हो जाता है और फिर हमें दिक्कत होती है। तो इसीलिए मैदा को बिल्कुल भी मत खाना, आटे से कुछ भी बनी हुई चीज़ें खा लेना। ये है मेरी विदाउट शुगर वाली टी, जो कि मैं पहले ही बना के ना छान लेती हूँ, फिर ठंडी हो जाती है तो इसकी मलाई मुझे हटानी पड़ती है। और फिर इन सैंडविच को ना, मतलब पतिदेव तो खाते हैं ये कच्चे सैंडविच, वो सिकवाते नहीं हैं, लेकिन मुझे ना सिके हुए पसंद हैं तवे पे, तो हल्का सा घी लगा के ना मैं इनको रोस्ट कर लेती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। और आप भी सच में ना इन वाले सैंडविच को बनाकर खाओगे ना तो आप कभी भी नहीं भूलोगे, इसका टेस्ट इतना यम्मी होता है, आपका मन करेगा ना डेली इसी को बनाकर खाने का। मेरे घर में ये सबको इतने ज़्यादा पसंद है ना, सासू माँ को भी जब मैंने पहली बार बनाकर खिलाए थे तो उनको ना तब से बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे हैं। तो नाश्ता किए हुए मुझे हो चुके हैं पूरे 3.5 घंटे और मैंने अभी तक ना कुछ नहीं खाया है, लेकिन अब मुझे भूख लग रही है और पतिदेव अभी आए नहीं, उनको खाना खिला के ही ज़्यादातर मैं खाना खाती हूँ। तो ऐसे बीच में जब आपको भूख लगे, क्रेविंग्स हो कुछ खाने की, तब आप इस बीच में ले सकते हैं फ्रूट्स। तो मैं ले रही हूँ पूरा 1 बाउल अंगूर का, यानी कि ग्रेप्स का। इतना ही लेना है आपको एक बार में 1 बाउल, क्योंकि उसके बाद फिर आपको दोपहर का जो लंच है वो भी तो करना है ना। तो इसमें हर चीज़ को अगर आप सीमित अमाउंट में खाएंगे, एक लिमिट अमाउंट में खाएंगे, तो आपका वेट भी नहीं बढ़ेगा और साथ साथ आपका ना वेट लॉस होगा। और इसको हमें खाना है 32 बार चबा चबा के। आप लोग कहेंगे कि अंगूर को कैसे खाएं 32 बार चबा चबा के, बहुत आसान है, आराम से चब जाता है। जो लोग ये कहते हैं ना कि हमसे 32 बार नहीं हो रहा, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता कि क्यों नहीं हो रहा। हाँ, बस स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इसकी आदत डालने में हमको थोड़ी सी टाइम लगता है, हमें खुद इसकी एक आदत सेट करनी पड़ती है। पर जब इसकी एक बार आदत सेट हो जाती है ना, तो बिलीव कीजिए वो जाएगी ही नहीं, आपको बिल्कुल आदत पड़ जाएगी हर वक्त चबा चबा के खाने की। तो आपको फिर बाद में काउंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट स्टार्टिंग में थोड़ा से एफर्ट्स आपको डालने पड़ेंगे, आपको काउंट कर करके खाना खाना पड़ेगा। तो ये जो अंगूर हैं इसको मैं खा रही हूँ 32 बार चबा चबा के। देखो मैंने मन मन में ना पूरा 32 बार काउंट कर लिया और ये अभी भी चबाने के लिए मुंह में बचा है। मैं इसको अभी भी और ज़्यादा चबा सकती हूँ, लेकिन मैं आप, क्योंकि बिना चबाए खाती हूँ और मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसे आप फ्रूट्स को भी ना 32 बार चबा के खा सकते हो। तो
उसे मैंने काउंट करके आपको दिखाया कि 32 बार की बात भी ना ये कितना बचा है मेरे मुंह में अभी। बाकी मैं अब काउंट नहीं करती क्योंकि मेरा 32 बार से ऊपर ही जाता है, मैंने बहुत बार काउंट करके देखा है और मुझे इसको करते हुए समय भी हो चुका है। तो मेरे साथ वेट लॉस जर्नी एंजॉय कीजिए, 32 बार को फॉलो करते रहिए, इसको आपको कभी भी नहीं भूलना है। ये है लाइफ टाइम फार्मूला, एक बिल्कुल मैजिक फार्मूला जिसके साथ आप सब कुछ खाते हुए भी अपना वेट कम कर सकते हो। जैसे कि आप लोग मेरी वीडियोस में देख रहे हो, आप लोग सोचते होंगे ना कि मैं क्या क्या खाती रहती हूँ मतलब आपको लगता होगा कि मैं बहुत ज़्यादा हाई कैलोरी वाला खाना खाती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं भी कैलोरी काउंट करके खाती हूँ, लिमिट अमाउंट में खाती हूँ, लेकिन जो मन करता है वो खाती हूँ। और 32 बार से चबाने की वजह से ना अमाउंट ऑलरेडी ना कम हो जाता है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा कम खाना खाओगे ना तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से ना कम खाने के बाद भी वेट कम नहीं होता। बहुत से लोग ना मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं कि हम तो बहुत ही ज़्यादा कम खाना खाते हैं फिर भी हमारा वेट कम नहीं होता, हमारा वेट तो बढ़ जाता है। तो वो यही प्रॉब्लम होती है कि आप लोगों का ना मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया है। तो आपको अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा कम खाना भी नहीं देना है, धीरे धीरे करके कैलोरी को कम कीजिए, बाकी 32 बार फॉलो कीजिए, जो मन है वो खाइए, अपने आप आपका वेट लॉस होता जाएगा। एक बार बिलीव करके ज़रूर देखिए मेरे इस फॉर्मूले पे, आपको ज़रूर पता चलेगा कि क्या होता है आपके साथ जादू। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, मुझे सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर देना ताकि उन लोगों की भी मदद हो सके वेट लॉस करने में। तो अंगूर यानी कि ग्रेप्स खाने के आधे घंटे बाद ना मैंने खाया था ये वेजिटेबल पुलाव। एक्चुअली एक दिन पहले ना चावल बनाए थे तो वो बच गए थे थोड़े से, तो उनको मैंने सैलड्स डाल के ना फ्राई कर लिया, वेजिटेबल्स वगैरह फ्राई करके उसमें वो चावल डाल के फ्राई कर लिए। क्योंकि हम हाउसवाइफ जो होती हैं भाई, जो बची कुची चीज़ें होती हैं वो भी तो निपटानी होती है ना, तो कभी कभी ऐसे ही खाना बना लेती हूँ मैं, क्योंकि मुझे चीज़ें वेस्ट करना बिल्कुल हो चुका है। शाम की चाय का समय, तो ये है मेरी विदाउट शुगर टी और ये है पतिदेव की चाय जिसमें शुगर है, और इसके साथ मैं लूँगी सिर्फ एक मठरी क्योंकि चाय खाली नहीं पीनी चाहिए। बाकी मैं ऐसे ही चाय लूँगी विदाउट किसी कैलोरी के, इससे कैलोरी बहुत ही ज़्यादा कम होगी। इसमें सिर्फ 25 कैलोरी होती है एक कप चाय में, अगर आप उसको विदाउट शुगर लेते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें होगी 5 से 10 कैलोरी बस, तो हो जाएगा काम हमारा बहुत ही कम कैलोरी में। उसके बाद रात का डिनर दिखाती हूँ। देखो दोस्तों, मैं सोच रही थी कि मेरे किचन में इतनी सारी चींटियाँ कहाँ से आ रही हैं, तो ये छत पे से इन्होंने होल कर रखा है और ये आ रही हैं। ये जो पाइप है ये हमारी चिमनी का पाइप है, क्योंकि अभी चिमनी सेट नहीं हुई है तो उस पर ईंटें रख दी हैं ताकि इसमें से पानी नीचे ना जाए बारिश वगैरह में। और इसके पास से ही ना जो हमारा फर्नीचर है लकड़ी वाला, उसके आसपास इतनी सारी चींटियाँ हो रही हैं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो आ कहाँ से रही हैं, फर्नीचर के अंदर भी निकल आती हैं। मैं तो इतनी ज़्यादा परेशान हो गई चींटियों से कि हर चीज़ में चींटियाँ हो जाती हैं, अपना शहद नहीं रख सकती मैं, उसके अंदर इतनी सारी चींटियाँ घुस जाती हैं बंद डिब्बे के अंदर भी। तो आज मुझे ना, मैं एक्चुअली थोड़ा लेट आती हूँ पर वॉक करने के लिए तो मुझे पता नहीं चल पाता, लेकिन आज मैं ना जल्दी आ गई हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि ये चींटियाँ नीचे किचन में कहाँ से पहुँच रही हैं। ओ गॉड, पता है पूरी की पूरी छत पे इतनी सारी चींटियाँ हैं, ये देखो आप जहाँ तक भी देखोगे ना चींटियाँ ही चींटियाँ दिखाई देंगी। देखो मैं दिखाती हूँ आपको, इतनी सारी चींटियाँ हैं पूरी की पूरी छत पे ना लाइन बना रखी है, और इतनी सारी हैं ये कि बस क्या बोलूँ मैं। ये देखो, ये देखो इन्होंने कहाँ तक अपना बिल सेट कर रखा है, कहाँ से निकल रही हैं, कहाँ पे घुस रही हैं ना, कुछ समझ नहीं आ रहा। पूरी छत पे बिखरी हुई हैं भाई, आप लोगों के पास कोई सॉल्यूशन हो तो प्लीज़ मुझे बताना इस चीज़ का कि मैं कैसे अपनी किचन से ना चींटियों को दूर करूँ। प्लीज़ मुझे सॉल्यूशन ज़रूर बताना, अगर आप सब लोग ये वाली वीडियो देख रहे हो तो मुझे ज़रूर बताना। उसके बाद रात को ना मैंने बनाई थी ये लाल मिर्च और आलू की सब्ज़ी। लाल मिर्च जैसे मोटी वाली हरी मिर्च आती है ना अचार वाली, वैसे ही ना लाल मिर्च भी आती है जिसको आप लोग ना पिज्ज़ा वगैरह में डाल के खाते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा खट्टी मिर्च होती है, शायद इसे अस्थाना मिर्च ही कहते हैं। तो ये पतिदेव ले आए थे तो मैंने ये दो बार में यूज़ की हैं,
तो आधी आज काट ली थी और इसमें ना बॉयल्ड आलू डाल के इसकी सब्जी बनाई थी यार, बड़ी ज़बरदस्त सब्जी बनी थी, बहुत टेस्टी। इसमें खटाई वगैरह भी डालने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये वाली मिर्ची ना ऑलरेडी खट्टी होती है। इसके साथ मैंने बना ली थी अपनी चुकंदर वाली रोटी और ले लिया था एक कटोरी में रायता और रात को ना यही खा लिया था मैंने। उसके बाद फिर मैं अपना ज़ीरा वाटर पी के और दूध पीकर सो गई थी रात को। तो आई होप कि ये ब्लॉग आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा, आपके किसी ना किसी काम तो ये ब्लॉग ज़रूर ही आएंगे। मैं कोशिश कर रही हूँ कि हर ब्लॉग में ना आपको कुछ नई इन्फॉर्मेशन दे सकूँ ताकि आपका टाइम ना वेस्ट ना हो, और आप क्या क्या देखना चाहते हो वो मुझे बताना, कोई अलग टाइप की एक्सरसाइज या फिर कुछ और देखना चाहते हैं मेरे ब्लॉग में तो प्लीज़ वो भी मुझे बताना, मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर दिखाऊँगी। और आई होप इस ब्लॉग को आपने पूरा पूरा इन्जॉय किया होगा, मुझे ऐसे ही प्यार और सपोर्ट अपना देते रहिए, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपके प्यार और सपोर्ट की। बाकी मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, और आप सब लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पॉजिटिव रहिए और हमेशा मोटिवेट रहिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वाली वीडियो में।